कैद कर लिया तुम्हें फिरदौस जानक भी। मुझे तो लगा था तुम आजाद करोगे। अब खुद से आजादी तो सिर्फ मौत ही दे सकती है, या फिर इश्क। जोड़ी तो नॉट बैड बट देयर इज चाइल्ड आई लाइक बोथ एंड आदित्य आल्सो डन वेरी वेल ओके इट्स गुड। काम सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। Awesome, great. It was good, average. Average instrumental जो पीछे बज रहा था, no fascinating music or song apparently. The words. मतलब title wise जाए तो काफी interesting लगा and Katrina and Aditya pairing together तो वो मतलब काफी interesting लगा but इतना कुछ. Chemistry was amazing. I think 2.5. मूवी अच्छी थी यार, मतलब एक्सपेक्टेशन मेरी कुछ ज़्यादा थी मूवी के साथ में कि कैटरीना और पहली बार आदित्य रॉय कपूर दोनों साथ में आ रहे हैं, सो कुछ अच्छा होगा, बट दिल टूट गया मेरा तो मूवी देख के। स्टोरी वाइज ठीक है, मतलब चल रही है खींच रहे हैं, मतलब बिना फालतू में। पेयरिंग ठीक है, मतलब उम्मीद ज़्यादा थी, उम्मीद से थोड़ा कम मिला, बट ओके इट्स ओके नो प्रॉब्लम। गाने ये फितूर मेरा वो मेरा फेवरेट था, बट इसमें सब बैकग्राउंड वाइज चल रहा है, सब चलता जा रहा है, पता नहीं हो रहा है क्या हो रहा है। स्टार में 2 स्टार दूंगा इसे। फिर दोस्त के काबिल बनना है तो कुछ बन के दिखाओ, इतना आसान नहीं उसको दुनिया में दाखिल होना। बच के रहना उनसे, घूम फिर के बेगम की ही बेटी है वो, किसी की सगे नहीं है ये लोग। बहुत ही अच्छी थी, बट ये मतलब मुझे तब्बू का काम बहुत ही अच्छा लगा उसमें, और अभिषेक कपूर जैसे हैं डायरेक्टर से हम जानते हैं क्योंकि रॉकॉन काईपोची ये उससे भी बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं क्लास ऑडियंस के लिए, मतलब ये मतलब बड़ी मतलब छोटे सेंटर्स में होते हैं ना वो नहीं चलेंगे। मुझे उनका काम बहुत ही अच्छा लगा, और खासकर वो जो छोटे कैटरीना और वो जो वो थे आदित्य, वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। म्यूजिक तो बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि ये क्या है ना, ये फिल्म आपको मतलब आपको गौर से देखनी पड़ेगी, ऐसी नहीं कि हाँ कि आप तोड़ नहीं सकते अपनी कंसंट्रेशन इस फिल्म में, और ये फिल्म को बहुत ही गौर से देखोगे तब जाके समझ में आएगा कि जब, और खासकर वो जो म्यूजिक है वो कुछ ज़्यादा फील डाल देता है। मैं इसको 3.5 दूंगा। फिल्म ठीक है, लव स्टोरी है, जहाँ से शुरू हुई वहाँ ख़त्म हुई, देखने लायक है, और तब्बू का जबरदस्त रोल था नए रोल में, कटरीना का भी अच्छा रोल है, हीरो का भी अच्छा रोल है, लेकिन 2 स्टार से ज़्यादा नहीं मिल सकते क्योंकि हाँ जोड़ी ठीक है, जोड़ी बराबर है, और नहीं नहीं कोई मतलब ऐसी पकड़ने वाली फिल्म नहीं है, मतलब बोर करने लायक भी नहीं है, लेकिन वो वैसी फिल्म है कि आप देख सकते हैं कि लव स्टोरी है, बाकी रोने धोने टाइप मतलब कोई सीरियस जैसे मूड में बैठना हो तो बैठ सकते हैं आप, सीरियस मूड में बैठिए और देखिए क्या हो रहा है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन लव स्टोरी पक्की है, जिस ढंग से नए ढंग से पेश की गई अच्छी है, गाने वगैरह उसमें कुछ गाने गा के तो बैक में चलते रहे शुरू में कोई गाने, लेकिन स्टोरी ठीक है, और पिछले से हीरो ठीक रहा, रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सॉन्ग है ही नहीं उसमें, पीछे बैकग्राउंड में चल रहे सॉन्ग, उसमें कोई गीत वगैरह कुछ नहीं है, कोई म्यूजिक वगैरह अच्छा था तो, लेकिन रोल अच्छा है जो ये 5 में से 2 स्टार काफ़ी हैं, 2 स्टार, और ये एक बार आप देख सकते हैं, लेकिन आप सीरियस रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मनोरंजन नहीं हो पाएगा।